अब ये मोपेड इधर क्या करने को आया है? तो मेरा और बाप का फोन क्यों नहीं उठा रहा है? खत्म हो गया क्या प्यार तेरा नंदनी से? हाँ? कि तुझे चलेगा कि नंदनी की शादी दर साहब से हो जाए? जो भी हो जाए कुंजन को समझाना तो पड़ेगा ना कि चार्मी के साथ कुछ भी नहीं है मेरा, लेकिन ये है कहां? ये तो प्यार करता भी है क्या नंदनी से? कौन? क्या सुबह को तेरा और राखला का प्लान भी तो फेल हो गया था? अभी तो मुझे शक हो रहा है इसे तुम दोनों से कुछ हो भी पाएगा कि नहीं? ये भगवान के लिए मुझ पे भरोसा रख थोड़ा। एक बात संभली है, नंदनी सिर्फ मेरी होगी, समझी? आई गेस किचन में होगी। अगर इस बार कोई भी गड़बड़ हुई कुंजन, कुछ देर अकेले में बात कर सकता हूँ तुमसे? मोपेड भाई, हाँ? मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। देखिए, मैंने आपको पहले से ही बता देती हूँ कि जो मोपेड भाई है ना, वो हमारे बस्ती के हैं और वो मेरे भाई जैसे, ठीक है? आपकी तरह नहीं, इसे बातें छुपाने की आदत नहीं है मुझे। I'm sorry, कुंजन, ये सच है कि तुमसे मिलने के पहले मैं एक रिलेशनशिप में था, बट अब ऐसा कुछ भी नहीं है। कुंजन, मैं जानता हूं मैंने तुम्हें हर्ट किया, लेकिन ऐसा कुछ है जो मैं कर सकता हूं जिससे तुम मुझे माफ कर दो। पक्का अब वही करोगे जो मैं बोलूंगी? हाँ, कुछ भी। तो आपको नहीं लगता कि मेरी उंगलियों पे हीरो की अंगूठी बहुत अच्छी लगेगी? डन डन। और कुछ? अब अभी के लिए बस। हीरानी अंगूठी। थैंक यू। अभी भी ओखा की लड़की लग रही हूँ। रावल के खानदान की तो तब लगूंगी रे जब साड़ी पहनना सीख लूं। गुनबेन, उस दिन आपने वीडियो के लिए साड़ी पहनी थी रे, आप मुझे भी साड़ी पहनना सिखाएंगे? ए अभी नहीं। अब प्लीज ना। साड़ी पहनना कौन सी बड़ी बात है? हा? ऐसे यहाँ से खोसना है, यहाँ से पल्लू छोड़ना है, अरे बाकी की साड़ी ऐसे चून बना के अंदर खोस देनी है। खत्म। सो तू भी। धड़क धड़क धड़ दम दम धड़के धड़के मारा भैया,
ठीक से पहनी नहीं मैंने साड़ी, कैसी लग रही हूँ? भगवान। मम्मी पापा, अरे जल्दी आओ ने। क्या हुआ क्या? सर पे टाका लगने के बाद डॉक्टर लोगों से पट्टी बांधते, वैसे इसने साड़ी बांधी है। नंदू कल शादी में भी ना ऐसी ही साड़ी बांधना, ठीक है? तो वो लड़के वाले बारात में आएंगे और तुझे देख के ना ऐसे फुर वापस चले जाएंगे। बोल बस कर। वो पापा, ए वेरी नाइस है नंदी। नंदू अरे रोना बंद कर और तू टेंशन मत ले, मैं सिखाऊंगी ना तुझे साड़ी पहनना। अरे नंदू 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 मेरी बात तो सुन, अरे मैं सिखा दूंगी तू इतना नंदू। ऐसी साड़ी पहनी थी चापली ने कि सर्कस का तंबू लग रही थी एकदम। ए भाई ये कितने की? 75,000। 75,000 ले। सुबीत मैं खर्चे की चिंता तो नहीं करूं ना? वो क्या है ने? मुझे तो महंगा महंगा ही पसंद आ रहा है। क्या पूरा टाइम तुम फोन में लगे रहते हो? कोई उसी लड़की का तो मैसेज नहीं आया है ना तुम्हें? हाँ? नहीं नहीं क्रेडिट कार्ड वालों का। हाँ तो ठीक है कर। ये कितने की है? ये 110,000। Oh my God, 110,000? जी। Oh my God, ये पर ये तो थोड़ी सस्ती वाली है ना? कुछ भारी भरकम दिखाओ ना। जी जी। हाँ। ये देखिए मैडम। शोनी, सेट अलार्म फॉर 7 AM। कौन है? कौन? साहब खोलिए। नंदिनी? नंदिनी तुम इस वक्त? हाँ दीजिए। अरे फिर ऐसे विंडो से आने की क्या जरूरत थी? मुझसे नहीं होगा, मुझे बहुत डर लग रहा है। What? Oh, I get it. ये शादी फंक्शन ये सब ना, इसमें स्ट्रेस लेने वाली कौन सी बात है? अरे आप नहीं समझेंगे, मेरे साथ तो ये सब कुछ पहली बार हो रहा है ना, तो टेंशन तो होगी। अरे तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे मैं 4-5 बार शादी कर चुका हूँ। टेंशन क्या है ये बताओ ना। अरे आप नहीं समझोगे, छोड़िए। क्यों नहीं समझूंगा? एक काम करो, तुम पहले बैठो यहाँ, बैठो आराम से। आप बताओ कि किस बात से परेशान हो तुम? मैं शादी के जोड़े में किसी के सामने नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि मैं बहुत खराब दिखने वाली हूँ। टीपी में तो फोटो पर फिल्टर लगा लेती हूँ, खुद पर फिल्टर कैसे लगाऊंगी?
आई अंडरस्टैंड, ये शादी से पहले वाला स्ट्रेस है, आम बात है। आम तो आप लगेंगे, कुटली जैसी तो मैं दिखूंगी ना। मुझे तो साड़ी पहनना भी नहीं आता, और लोग क्या कहेंगे कि दूल्हा अंगूर और दुल्हन लंगूर, दूल्हा हीरो अरे दुल्हन जीरो, दूल्हा फाइव स्टार। अरे ब्रेक लगाओ यार, अपनी बकबक की बुलेट ट्रेन को ना ब्रेक लगाओ जरा। तुम तो सच में बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड हो, स्ट्रेस को कम करना पड़ेगा अभी, जस्ट नाउ, राइट नाउ। पर कैसे कम करेंगे उसको? अच्छा माँ ने ना कुछ साड़ियाँ कुछ कपड़े वगैरह मंगाए हैं तुम्हारे लिए, और वो आ भी गए या मेरे कबर्ड, हमारे कबर्ड में रखे हुए। मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ तुम्हें तैयार होने में, फिर देखना तुम कितनी सुंदर लगोगी। लेकिन मैं किसे क्या, आई मीन इट, तुम्हें किसी फिल्टर की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं कैसे? रिलैक्स, चलो आओ मेरे साथ। पिंक है ना? हाँ। परफेक्ट, ये लो। लेकिन मैंने आपको बताया नहीं, मुझे साड़ी ढंग से पहननी नहीं आती। हाँ तो मैं हूं ना हेल्प करने के लिए, लो। और ये वाला तो आपको पसंद आ ही जाएगा। ओ हो हो, ये हुई ना बात। अरे वाह, कितने की है? सिर्फ 3,10,000 रुपए। 3,10,000? जी। अरे बाप रे, ये तो पहननी पड़ेगी। हाँ देखो भाई, अब ना हम 3,10,000 की अंगूठी खरीद रहे आपसे, ठीक है? पर आपको अच्छे से डिस्काउंट देना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। सोबित, मैं ये ले लूं। सुनिए, इसका बिल आप घर पे भिजवा देना। जी जरूर। सोबित, थैंक यू।
दर्श भाई, आप क्यों इस लड़की के जाल में फंसते जा रहे हैं? ये नहीं है आपके लायक। जी हमें मंजूर है आपका ये फैसला, जी हमें मंजूर है आपका ये फैसला। मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।